जयपुर हवाई अड्डे को भले ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने का तमगा मिल गया हो, एयरपोर्ट पर दिनों दिन बढ़ते यात्री भार के दावे एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से किए जाते हों, लेकिन एक सच ये भी है कि जयपुर एयरपोर्ट से दूसरे राज्यों के शहरों की कनेक्टिविटी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पहले भी जयपुर से 23 उड़ानें थी और आज भी 23 उड़ानें हैं, तो फिर ये यात्री भार के आंकड़ों की हकीकत क्या है? रिपोर्ट में देखिए आप। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यात्री भार के आंकड़े जारी किए हैं। एयरपोर्ट प्रशासन ने पिछले वर्ष की तुलना में यात्री भार में बढ़ोतरी का दावा किया है। 2022 की तुलना में अप्रैल से जुलाई 2023 में पैसेंजर ट्रैफिक में 27% का इजाफा, 2022 की तुलना में अप्रैल से जून 2023 में पैसेंजर ट्रैफिक में 25% का इजाफा, 2022 की तुलना में अकेले जुलाई 2023 में 31.4% की वृद्धि। इस अवधि के दौरान लगभग 17,36,000 यात्रियों ने जयपुर हवाई अड्डे से यात्रा की है, जो कि 2022 में 13,72,000 ही थे। बताया जा रहा है कि यात्री भार बढ़ने के पीछे वेकेशन ब्रेक, पर्यटन, व्यापारिक गतिविधियां और बेहतर कनेक्टिविटी है। हालांकि ये बात सही है कि कोविड काल के बाद यात्री भार में आशाजनक सुधार हुआ है, लेकिन कोविड काल से पहले जयपुर एयरपोर्ट से 23 शहरों के लिए उड़ानें थी और आज भी 23 शहरों के लिए उड़ान भरी जा रही है। जयपुर एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से यात्री भार को लेकर आंकड़े पेश किए गए हैं। दावा किया गया है कि 2022 की तुलना में इस साल 27% यात्री भार में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इन दावों पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से ना तो घरेलू फ्लाइटों की संख्या बढ़ी, ना ही कोई इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो पाई। 23 शहरों के अंदर कनेक्टिविटी है, तो फिर यात्री भार कैसे बढ़ा? अप्रैल 2022 की तुलना में अप्रैल 2023 में 18.7% की वृद्धि, मई 2022 की तुलना में मई 2023 में 25.9% की वृद्धि, जून 2022 की तुलना में जून 2023 में 31.2% की बढ़ोतरी, जुलाई 2022 की तुलना में जुलाई 2023 में 31.4% की वृद्धि। जुलाई 2023 में जयपुर एयरपोर्ट से 4,20,688 यात्रियों ने की यात्रा, जबकि जुलाई 2022 में जयपुर एयरपोर्ट से 3,20,181 यात्रियों ने यात्रा की। तो जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से जारी आंकड़े आपने देखे, आंकड़ों में कितनी सच्चाई है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स के वर्षों से रूट वही है, शहर वही है, उड़ानों की संख्या भी वही है, तो यात्री भार में इजाफा इतना ज्यादा कैसे हुआ? इंटरनेशनल उड़ानों में भी कोई नया देश, नई जगह नहीं जुड़ी है। दूसरी तरफ जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स के लेट होने और रद्द होने का सिलसिला लगातार बरकरार है। फिलहाल यात्रियों को बेहतर सुविधाओं की दरकार और समय पर उड़ान का इंतजार है। यात्रियों को नियमों के मुताबिक एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले बुला लिया जाता है, लेकिन पहुंचने पर पता चलता है कि फ्लाइट लेट है। ऐसे में यात्री भार बढ़ने के दावों पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल एयरपोर्ट का नया मैनेजमेंट एयरपोर्ट में तमाम तरह के सुधार कर रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में यात्रियों को फ्लाइट्स की उड़ानों में देरी और रद्द होने की शिकायत नहीं मिलेगी। जयपुर एयरपोर्ट की फ्लाइटों का रूट वही, शहर वही, फ्लाइटों की संख्या भी वही, तो इतना इजाफा कैसे हुआ? पिछले कई सालों से नए शहरों में कनेक्टिविटी नहीं बढ़ी, ना ही कोई इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से शुरू की गई, तो फिर यात्री भार कैसे बढ़ा? इन सब के बीच एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि नए मैनेजमेंट ने बेहतर तरीके से कार्य किया है, जिसके नतीजे के चलते यात्री भार बढ़ा है, लेकिन आंकड़ों का मायाजाल क्या इन दावों को सच साबित कर पाता है? कैमरा पर्सन यश के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।